नमस्कार, कविता की थाली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बैटर में तीन ब्रेकफास्ट की रेसिपीज, जिसमें हम लोग इडली, डोसा और अप्पम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इस आसान से रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन सारी चीजों की आवश्यकता है। एक बैटर तीन ब्रेकफास्ट की रेसिपी यानी कि इडली, डोसा और अप्पे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है एक सर्विंग बाउल। इसके अंदर हम लोग डालेंगे चार कप चावल। यहाँ पे मैंने बॉइल्ड राइस लिया है, आप चाहे तो कोई सा भी चावल ले सकते हैं। चार कप चावल मैंने यहाँ पे लिया है, इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे दो कप उड़द की दाल। जितना चावल हम लोग लेंगे उसे आधा हम लोग उड़द की दाल लेंगे। दो कप उड़द की दाल मैंने यहाँ पे डाल दी है। सारी चीजें हम लोग एक ही साथ ऐड करते जा रहे हैं। इसी मेजरमेंट से आप अगर बैटर बनाएंगे तो आपके डोसे, इडली या अप्पे बहुत ही बढ़िया आएंगे। इसी के साथ हम लोग इसमें ऐड करेंगे दो टेबलस्पून चने की दाल, दो टेबलस्पून पोहा, ये मीडियम वाला पोहा है, इसको भी इसके साथ ऐड कर देंगे, और एक टीस्पून मेथी के दाने मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब इन सारी चीजों को हम लोग दो से तीन बार धो लेंगे। दाल और चावल को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से धो के लिया है। जिस बर्तन में या डिब्बे में आप दाल और चावल भिगो कर रखना चाहते हैं वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा डिब्बा लिया है, इसके अंदर अब हम लोग पानी डाल देंगे। करीबन दो जग जितना पानी हम इसमें डाल देंगे ताकि दाल और चावल पूरी तरह से भीग जाए। याद रखें, दाल और चावल पानी में भीग के फूल जाते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग पानी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने दो जग जितना पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं करीबन आधा इंच पानी हमने ज्यादा रखा है। अब इसे हम लोग 7 से 8 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, आप देख रहे हैं दाल और चावल बहुत अच्छी तरह से फूल के यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। इसे आप ग्राइंडर में पीसे या मिक्सी में पीसे, इसकी अच्छी फाइन ऐसी पेस्ट हम लोग बना लेंगे। दाल और चावल के साथ जो पानी यहाँ पे बचा है, इसी पानी का हम लोग इस्तेमाल पीसने के लिए करेंगे, इसे आप फेंके नहीं। यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हुए दाल और चावल डालते जाएंगे और इसको महीन सा पीस लेंगे। बहुत ही महीन ऐसा बैटर यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारी दाल और चावल हम लोग पीस कर तैयार कर लेंगे। सारा बैटर मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है और उसे एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। आटा फर्मेंट होने के लिए एक बड़ा सा ही बर्तन ले ले ताकि आटा अच्छी तरह से फूल सके और फर्मेंट हो सके। अब हम लोग इसे एक ढक्कन लगाएंगे और रात भर फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। दाल और चावल के बैटर को हमने रात भर फर्मेंट होने के लिए रखा था, तो आइए देखते हैं हमारा बैटर यहाँ पे फूला है या नहीं। वाओ, आप देख रहे हैं बैटर यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट होके फूल के ऊपर तक आ गया है। इसे अब हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से जाली अगर इसमें बन जाए तो समझना चाहिए कि बैटर हमारा बहुत ही अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे नमक। एक चम्मच में नमक यहाँ पे डाल रही हूँ और इसको अब हम लोग अच्छी तरह से फेंट लेंगे। बैटर में हमें अभी थोड़ा सा पानी लगेगा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इडली, डोसा और अप्पम के लिए हमारा बैटर यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसे हम लोग एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बैटर को मैंने यहाँ पे एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम लोग इडली के लिए प्लेट्स रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक इडली की प्लेट ली है, इसको हम लोग ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल लगाने से इडली हमारी आसानी से निकल कर आ जाएगी। अब इसमें बैटर को हम लोग डालते जाएंगे। अब इसको हम लोग इडली के स्टैंड में रख देंगे।
सारी प्लेट्स हमने अब स्टैंड में रख दी है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के 12 से 15 मिनट तक होने देंगे। इडली को होते हुए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। आइए देखते हैं हमारी इडलियाँ यहाँ पे बनी है या नहीं। इडलियाँ यहाँ पे पककर तैयार हो चुकी है। आइए अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं। धीरे से हम लोग इसे कॉर्नर से अलग कर लेंगे और एक चम्मच की सहायता से इसे निकाल लेंगे। इडली की रेसिपी हमारी यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे आटे से हम लोग अपम बना लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अपम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अपम मेकर लिया है। इसके खानों में हम लोग थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे। अब सारे खानों में हम लोग थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। सारे खानों में मैंने यहाँ पे बैटर डाल दिया है। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक होने देंगे। 2 मिनट के बाद अपम यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम लोग इसे पलट देंगे। बहुत ही प्यारा ऐसा गोल्डन कलर इसका आया है। बहुत ही फुले फुले ऐसे अपम यहाँ पे बनकर तैयार है। अपम दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, यानी कि हमारे अपम यहाँ पे रेडी है। इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से अपम यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं गर्मा गर्म और स्वादिष्ट ऐसे अपम यहाँ पे खाने के लिए तैयार है। अब हम लोग इसी आटे से बनाएंगे हमारी तीसरे ब्रेकफास्ट की रेसिपी डोसा। तवा यहाँ पे गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे थोड़ा सा वाइप कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैटर लिया है, उसको हम लोग तवे पे स्प्रेड कर देंगे और साइड से हम लोग थोड़ा सा तेल छोड़ देंगे। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। 1 मिनट के लिए हम लोग इसे होने देंगे, फिर बाद में दूसरी तरफ पलटा देंगे। आप चाहे तो इसी बैटर से सेट डोसा बना सकते हैं या फिर उत्तपम भी बना सकते हैं। उत्तपम बनाने के लिए आप उसमें थोड़ा सा ऑनियन, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के आटे को तैयार कर ले। डोसा यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो रहा है, हम लोग उसे पलट देंगे। बहुत ही क्रिस्पी ऐसा डोसा यहाँ पे बन चुका है, आप देख रहे हैं। बस 1 मिनट के लिए हम लोग इसे दूसरी तरफ से भी होने देंगे। डोसा यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम लोग निकाल लेंगे। एक बैटर, 3 ब्रेकफास्ट की रेसिपी में हमारी तीसरी रेसिपी डोसा यहाँ पे खाने के लिए तैयार है। आप इसे किसी भी नारियल की चटनी या आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं। आप भी इस बैटर को जरूर बनाएं और अलग अलग तरह की ब्रेकफास्ट की रेसिपीज बना के एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ऐसी ही एक और मजेदार रेसिपी के साथ मैं कविता की थाली में फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए हंसते रहे और खाते रहे। धन्यवाद।